तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, फाइंड टेंजेंट टू 2x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 6 एट -2, 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दो, बड़ा इजी हो गया। हमने क्या किया था, यहाँ पे कंपेयर कर लिया वाई, ये जो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन आया था, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंस, कंडीशन ऑफ टेंजेंस की क्या होती है हाइपरबोला में, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 2m+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3m² -2। तो m की दो वैल्यू आ गई, -1 और -3। अब अगर m की वैल्यू -1 है तो -2 और 1 पे इक्वेशन क्या आएगी इसकी, y इज इक्वल टू -x -1 या x+5+1 इज इक्वल टू 0, और m इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 1 पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3x -5। तो ये आ गया 3x+y+5 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों टेंजेंट आ गए हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए आपको मालूम पड़ गया कि अगर हमें ये फॉर्मूला मालूम नहीं होता तो हमें दायां बायां करना पड़ता। तो अल्टीमेटली फॉर्मूले कितने इम्पॉर्टेंट हैं उसकी इम्पॉर्टेंस आप समझें, आपको फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लिया लास्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2x² -4y² = 4 विच आर फर्स्ट है पैरेलल टू और सेकेंड है परपेंडिकुलर टू x+2y = 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि पैरेलल टू x+2y = 0 होगा, तो पहले तो हम देख लें कि इसके फॉर्मेट में लिख लेते हैं इसको, x² / 4 - y² / 1 = 1। तो ए स्क्वायर तो है 4 और बी स्क्वायर है 1। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, अगर हम यहाँ से देखें, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, तो -1/2 हो गए। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और एम स्क्वायर की वैल्यू 1/4 -1, तो सी आ गया 0। तो सी इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, वाई इक्वल टू एम एक्स, तो वाई इज इक्वल टू -1/2 × x। सेकेंडली टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x+2y इज इक्वल टू 0, तो जो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट उसकी स्लोप क्या होगी, 2 होगी डेफिनेटली। अगर इसकी स्लोप है -1/2 तो ये स्लोप होगी 2। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया 4 और एम एम स्क्वायर हो गया अगेन 4 -1, तो 16 - 1 = 15। तो सी इज इक्वल टू +-15। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वाई इज इक्वल टू 2x+-√15। तो यहाँ पे हम अपने कोनिक को फिनिश करते हैं, होपफुली आपको ये टेंजेंट समझ में आ गए होंगे। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो जस्ट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। अब एक दिन लो, आराम से इस चीज़ को खुद सॉल्व करो, डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड इट। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।